के विधानसभा रोड के अशोका रत्न गणेश उत्सव समिति ने गणेश उत्सव का आयोजन किया। अशोका रत्न गणेश उत्सव समिति का यह लगातार 15वां वर्ष होने जा रहा है। समिति ने 11 दिनों तक सोसाइटी में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ ही अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम रखे। अशोका रत्न सोसाइटी में 2 तारीख को ही श्री विघ्नहर्ता को स्थापित किया गया। उसके बाद लगातार सोसाइटी में रंगारंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया। 3 सितंबर को भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। ऐसे ही लगातार 11 दिनों के कार्यक्रम यहां पर चलते रहे। अशोका रतन में हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छे से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हर एक दिन अच्छे अच्छे फेस्टिवल अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अरेंज किए थे यहाँ पे, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत एंटरटेनमेंट रहा और हमने बहुत भक्तिभाव से गणेश जी की यहाँ पे सेवा की है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे इको फ्रेंडली गणेश जी रहते हैं, जिसका हम लोग विसर्जन हमारे यहाँ के फाउंटेन में करते हैं। यानी कि हम लोग किसी नदी तालाब में नहीं जाते हैं और हमारे गणेश जी हमारे यहाँ के फाउंटेन में ही हम ठंडा करते हैं। पर जैसा हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर, हर एक आयु वर्ग के लिए, हर एक रहवासी के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रहते हैं। जिस दिन गणेश स्थापना हुई थी उस दिन से लेकर अभी तक डेली, शुरुआत में क्यूट बेबी कंपटीशन था, बच्चों का फैंसी ड्रेस था, इसके अलावा यहाँ के बच्चों के डांस के प्रोग्राम रहते हैं और हमने एक दिन स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम किया था। इसके साथ साथ बाहर से भी हमारे यहाँ बॉम्बे से और नागपुर से भी ग्रुप आते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। तो इस तरीके से पूरे गणेश पक्ष में हम लोग हर दिन अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, जिससे हर आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर आनंद मिल सके और वो गणेश पक्ष को अच्छे से एंजॉय कर सके। मेघनगर में भी गणेश विसर्जन